नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आपके मोबाइल फोन से कोई सा भी दोस्तों नंबर डिलीट हो जाता है, जैसे कि आपने फोन कॉन्टेक्ट में नंबर सेव किया है और दोस्तों वो नंबर डिलीट हो जाता है, तो दोस्तों आप उसे दोबारा से रिकवर कैसे कर सकते हो, कैसे दोबारा से अपने फोन के अंदर ले आ सकते हो, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही खतरनाक शानदार तरीका बताने वाला हूँ, जिसका यूज करके दोस्तों आप अपने कितने भी दोस्तों पुराने डिलीट नंबर को वापस ले आ सकते हो। आपके मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों 100, 200, 500 चाहे कितना भी नंबर सेट हो, अगर वो डिलीट हो जाए तो दोस्तों उसे वापस ले आ सकते हो। मैं सारा सब कुछ आपको लाइव दिखाऊंगा। अब दोस्तों एक नंबर नहीं दोस्तों, जितने नंबर होंगे और जितने भी पुराने होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे, और कैसे आएंगे दोस्तों इसे जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को बस ध्यान से देखना होगा, तभी दोस्तों ये सब सारा सब कुछ संभव होगा। और दोस्तों मैं एक छोटा सा चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दोस्तों चाहे आपका नंबर एक साल पहले डिलीट हुआ हो, चाहे दो साल पहले डिलीट हुआ हो, चाहे एक महीना, चाहे दो महीना, चाहे एक दिन या दो दिन, कितना भी दिन पहले डिलीट हुआ हो, चुटकियों में दोस्तों वापस आ जाएगा। इतना खतरनाक फीचर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो ना दोस्तों, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे देना है, और दोस्तों इस वीडियो को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, दोस्तों हर जगह व्हाट्सएप पे आग की तरह फैला देना है, शेयर कर देना है, और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि दोस्तों आप लोगों को मैं जब भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊं सबसे पहले वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको लाइव अपने मोबाइल फोन के अंदर एक नंबर को डिलीट करूंगा, यानी कि दोस्तों एक कॉन्टेक्ट नंबर को आपके सामने ही डिलीट करूंगा, और उसे दोस्तों आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपका नंबर वापस आएगा, कैसे रिकवर कर सकते हो, कितना आसान प्रोसेस है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नंबर वापस करने का तरीका है ना, रिकवर करने का, ये कीपैड फ़ोन के अंदर काम नहीं करेगा। जिनके पास दोस्तों एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उन्हीं मोबाइल फ़ोन के अंदर काम करेगा, बट दोस्तों वो चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़्यादा बकवास ना करते हुए दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे एक नंबर को डिलीट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, आपके सामने यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट बुक यहाँ पे ओपन किया है, और यहाँ पे एक नंबर सर्च कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक नंबर सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्तों, अमित न्यू करके एक ही नंबर है मेरे मोबाइल फोन में। अमित के नाम से तो बहुत ढेर सारे नंबर हैं, बट दोस्तों अमित न्यू करके एक ही नंबर है, और दोस्तों इस नंबर को मैं यहाँ से लॉन्ग प्रेस करता हूँ और आपके सामने यहाँ पे दोस्तों लाइव ही से डिलीट मारता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ से डिलीट हो गया है ना, आपके सामने यहाँ पे दोस्तों लाइव मैं इसे डिलीट कर दिया हूँ। और दोस्तों कैसे मैं इसे रिकवर करता हूँ बस आप लोगों को ध्यान से देखना है, बट दोस्तों अगर आप इसे लाइक कर देते हो वीडियो को तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, हर किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर आप फेसबुक चलाते हो, मैसेंजर चलाते हो, तो सिंपली दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर मैसेंजर को ओपन करना है, फेसबुक वाला मैसेंजर। और दोस्तों उसे ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक छोटी सी ट्रिक लगानी है, आप दोस्तों चुटकियों में रिकवर कर पाओगे। बस दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो आपका लोगो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो आपका प्रोफाइल वाला लोगो दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों क्लिक मारना है। यहाँ पे बस दोस्तों क्लिक कर दोगे ऐसे, और क्लिक कर देने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे धीरे धीरे आपको यहाँ पे इस तरह से नीचे आओगे, बहुत सारा सेटिंग ओपन हो जाता है। बट दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, अकाउंट सेटिंग है, रीस्टोर, यहाँ पे चैट है, और या बहुत सारी यहाँ पे सेटिंग है। बस दोस्तों आपको यहाँ पे एसएमएस का भी मिल जाता है, स्टोरी का भी मिल जाता है, बट दोस्तों ये सब नहीं, आपको बस फोन कॉन्टेक्ट को यहाँ पे दोस्तों ओपन करना है। और दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों ये तरीका तभी वर्क करेगा जब मैं आपको वो जानकारी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, यानी कि दोस्तों इतना कर देने के बाद भी दोस्तों आप नंबर को वापस नहीं करोगे जब तक दोस्तों वो तरीका जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ वो नहीं जानोगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे मैनेज कॉन्टेक्ट पे ओपन यहाँ पे क्लिक मारना है, मैनेज कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पे प्रोसेसिंग लोडिंग हो रही है। अब दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर फेसबुक चलाते हो या फिर दोस्तों मैसेंजर चलाते हो, तो दोस्तों ये फेसबुक मैसेंजर चलाने से क्या होता है कि दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं ना दोस्तों, फेसबुक और मैसेंजर के सर्वर पे दोस्तों आपके कॉन्टेक्ट नंबर सिंक हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों सेव हो जाते हैं, उनके सर्वर पे अपलोड हो जाते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पे सारे ये एक नंबर को डिलीट किया, बट दोस्तों वो नंबर यहाँ से मैं कैसे रिकवर करता हूँ, अमित न्यू यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं नीचे स्क्रोल कर रहा हूँ तो अमित न्यू के नाम से दोस्तों यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे देखिए 63। अगर आप चाहो तो यहाँ पे दोस्तों मैं वो वीडियो आपको थोड़ा सा अनब्लर कर दूंगा, लास्ट वाला आपको डिजिट दिखा सकता हूँ, 63 उस नंबर के अंदर भी था। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अमित न्यू करके कोई भी दूसरा नहीं है नाम,
यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको इस तरह से टैप करना है। टैप दोस्तों जैसे ही करोगे ये पूरा नंबर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आप इस नंबर को रिस्टोर नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब है कि दोस्तों आप यहां से नंबर को किसी कागज पर लिख लोगे या फिर दोस्तों दोबारा से आप अपने फोन नंबर में सेव कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर में यहां से सेव कर सकते हो। बट दोस्तों यहां से देख सकते हो इस नंबर को यहां से रीस्टोर करने का ऑप्शन नहीं आता है। यहां से आपको पूरा नंबर याद कर लेना है, देख लेना है, और देखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे लिख लेना है। लिखने के बाद आपको अपने फोन नंबर में इसे सेव कर लेना है। अब दोस्तों आपको छोटी सी जानकारी मैं क्या आप लोगों को देने वाला था कि दोस्तों ये तरीका उसी फोन के अंदर काम करेगा, उसी एंड्रॉइड मोबाइल फोन के अंदर काम करेगा जिस मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों फेसबुक या मैसेंजर आपने चलाया होगा, तभी दोस्तों ये उस मोबाइल फोन के अंदर ये तरीका काम करेगा। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि ये फेसबुक और मैसेंजर क्या करते हैं कि आपके कॉन्टेक्ट नंबर को अपने सर्वर पे दोस्तों अपलोड कर देते हैं। तभी दोस्तों आपको पता होता है ना, आप अपने नंबर को सेव कर लेते हो अपने फोन में किसी के भी नंबर को, दोस्तों फेसबुक और मैसेंजर पे आपको सजेस्टिंग वो नंबर शो होने लगते हैं। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने इस वीडियो के अंदर जानकारी दिया है दोस्तों वो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह की एक और न्यू इंटरेस्टिंग कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।